पुलिस हाथरे जगबंधु डायरी डायरी भितरे कहा कहा ना पुलिस हाथरे लागी लेडी ब्लैकमेलर अर्चना नागर स्वामी जगबंधु चांद को डायरी जगबंधु को गिरफ परे तांको घरु डायरी सह अन्य गुरुत्वपूर्ण जिनिस मिलिथिबा सूचना देछंती भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह। गिरफ जगबंधु निकटरु चारिटी मोबाइल और गोटे लैपटॉप मध्य मिलिछि। तबे जबत डायरी रे कहाना रहिछि एवं तदंत बेले ताहा सामना को आसीबो कि नाही ताकु नै चर्चा लागि रहिछि। सेपटे डीसीपी कहिछंती ए मामलारे जहारो भी संप्रुक्त थिबो तांको विरोधरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। तांको पाखरु हमकु चारोटी मोबाइल फोन गोटे लैपटॉप आउ गोटे डायरी डॉक्यूमेंट्स आमे पाइछु से सब आमे सीज करिछु। अर्चना जगबंधु और इमानंकर विभिन्न अकाउंट्स आमे आरबीआई मांगिथिलु और विभिन्न बैंक्स को पठाई थिला सेठु हमको स्टेटमेंट्स आसी तार कनेक्टिंग अकाउंट्स जो अच्छा यदि कोठू ट्रांजेक्शन हो डिटेल रे आम तरफ स्टडी करा जाऊ दरकार पड़े आम निश्चित रिमांड ऑप्शन आम पाखे अच्छी यूज कर जिते भी इन्वेस्टिगेशन चली जिते भी लोक इनवॉल्वड ये केस रे पाए जीवे समस्त अगेंस्ट कार्यानुष्ठान ग्रहण करा हबो। गत 6 तारीख रे अर्चना नाग को गिरफ करथिला खंडगिरी थाना पुलिस। अर्चना को भली जगबंधु को नारे भी समान अभियोग रहथिला उभय को नारे पीड़िता को डराइबा ब्लैकमेलिंग दादाबटी आदाय आदि अभियोग रहथिला। जगबंधु को संपृक्ति ने ठोस प्रमाण परे तांको गिरफ करा जायथिबा डीसीपी कहिछंती। सेपटे पीड़िता 164 धारा रे बयान रेकर्ड होइथिबा डीसीपी सूचना देइछंती। अर्चना जगबंधु को आर्थिक कारोबार रो खोलताड़ चलिछि उभयंक अकाउंट ट्रांजैक्शन रो तथ्य आरबीआई को मगा जायथिला सेमाने केउठु टंका आणुथिले काहाकु देउथिले से सबुर तदंत चलिछि एवं आगकु एहा अधिक स्पष्ट हेबो बोली डीसीपी कहिछंती। सेपटे गिरफ परे जगबंधु रो जामिन आवेदन खारज हेबारु ताकु 14 दिनिया विचार विभागीय हाजत को पठाई दिया जाय छे। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।